प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार के आम बजट 2020 की सराहना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो आम बजट पेश किया है वो सभी वर्ग के लोगों के हित में है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार कार्य करेगी। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है जिसमें 100 जिलों में संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सोलर पंप लगाने की दिशा में किसानों को बहुत बड़ी राहत दी जाएगी और जो पंप बिजली से जुड़े हैं उनको भी सोलर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में जैविक खेती पर भी बल दिया गया है और सरकार की ओर से जैविक खेती के लिए किसानों को विशिष्ट सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि दूध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए कार्य किए जाएंगे। कोल्ड स्टोर, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग यूनिट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बिंदल ने कहा कि देश के हर इनकम टैक्स भुगतान कर्ता के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। 5 लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं होगा। 5 से 7.5 लाख के बीच अब 10% कर की दर लागू होगी। वहीं 7.5 से 10 लाख के बीच की आय पर 15% की दर लागू होगी, जबकि 10 लाख से 12.5 लाख के बीच की आय पर 20% की दर लागू होगी। इसके अलावा 12.5 लाख से 15 लाख के बीच की आय पर 25% की दर लागू होगी। वहीं 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% की दर से कर लगता रहेगा। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 2020 का बजट प्रस्तुत किया। अनेक मायनों में ये बजट अति विशिष्ट दिखाई देता है। सरकार ने ये घोषणा की है कि जो 2022 तक देश के किसानों की आय को दुगना करने के लिए काम करेंगे। इस कड़ी में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 16 सूत्रीय किसान के फार्मूले की घोषणा की है, जिसमें 100 जिलों में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विहंगम प्रयास किए जाएंगे। सोलर पंप्स लगाने की दिशा में किसान को बहुत बड़ी राहत दी जाएगी और जो डायरेक्टली बिजली से पंप जुड़ा है उसको भी सोलर से जोड़ने का प्रावधान किया जाएगा। ऐसी खेती जिसमें फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो, ऐसी खेती जो नेचुरल फार्मिंग हो और उस पे किसान को विशिष्ट सहायता उपलब्ध कराई जाए। दूध का उत्पादन दुगना करने की दिशा के अंदर काम किया जाएगा और कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी किसान की जो प्रोड्यूस है वो बेहतर तरीके से बेहतर दाम पर बिके। इस प्रकार ये जो 16 इशू हैं इनको लेकर के किसान को मदद करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी और एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय है। उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह बजट एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। हर जिले में एक्सपोर्ट पार्क खुलने जा रहा है जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।